मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़का जो बिना बुलाए खाना खाने के लिए पहुंच गया एक शादी में। एमबीए का छात्र था, हॉस्टल में रहता था, खाना नहीं बनाया और वो पहुंच गया एक शादी में खाना खाने के लिए। और शादी में खाना खाने के लिए जैसे पहुंचा तो वहां के जो व्यवस्थापक थे वो तुरंत ही पहचान गए और पहचान कर पकड़ लिए। और वो लोग सिर्फ पकड़े नहीं, पकड़ने के बाद वो लोग अपनी घटिया मानसिकता को दिखाए और उस लड़के से बकायदा बर्तन धुलवाया गया। और बर्तन धुलवाने के साथ साथ वो लोग वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो वायरल कर दिए। अब इतनी नीच हरकत करते हुए ये लोग और बहुत खुश हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि भाई बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के गांव में क्या होता है कि जैसे किसी की शादी होती है तो शादी में ऐसा होता है ना कि भाई 500 या 800 लोगों का खाना बनवाना है तो कहते हैं कि 100 लोगों का बढ़ाकर बनवाएंगे, क्योंकि 50-100 लोग तो ऐसे बढ़ ही जाते हैं, ठीक है, तो 100 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनता है। और ये लोग कितने बड़े भिखारी आदमी है कि ये भिखारी मतलब एक व्यक्ति का, एक लड़के का जो एमबीए का छात्र है, ये लोग एक लड़के को खाना नहीं खिला पाए भाई। और वो लड़का खाना खाने के लिए आ गया तो उससे बकायदा बर्तन धुलवाए, बर्तन धुलवाने के साथ साथ वो वीडियो बनवाए और हंस रहे थे एकदम बेशर्मों की तरह। और इन बेशर्मों को हम एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जो बिहार का वीडियो है। और उस वीडियो में भी एक लड़का है जो हॉस्टल में रहने वाला लड़का है, और वो लड़का भी एक शादी में खाना खाने गया था और एक बिहारी किस तरीके से पेश आते हैं उस लड़के के साथ, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपके मन से यहाँ क्या आपकी शादी में हम आए हैं? हाँ, और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है। सही, सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था। अच्छा, हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे। अच्छा, तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा, तो इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें। ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। एकदम, बस यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना। हॉस्टल ठीक है, ठीक है, खा लेते हैं। तो ठीक है, का बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना। एकदम एकदम ठीक है भैया, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसे ही औकात कहते हैं, असली औकात, ठीक है ना। जो बर्तन धुलवाए ना वो एकदम फटीचर और बिहारी ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो बिहार के जो ये दुल्हे भाई हैं अपने, ठीक है ना, ये किस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम अगर हॉस्टल में रहते हो तो सिर्फ खाने के लिए ही क्यों भाई, हॉस्टल के लिए लेकर भी चले जाना। वहां पर भी दो चार लड़के होंगे जो हॉस्टल को छोड़कर और यहाँ पे शादी में नहीं आए होंगे खाना खाने, या हो सकता है वो खाना नहीं बनाए होंगे, तो उसके लिए भी लेकर चले जाओ। इसको कहते हैं महानता, इसको औकात कहते हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो एक लड़का आ गया था उससे बकायदा बर्तन धुलवाया गया, और यहाँ बिहार में देख लो एक लड़का खाने के लिए शादी में आया तो उससे बकायदा कहा गया कि अपने हॉस्टल के जो तुम्हारे हॉस्टल में जो लड़के है ना उनके लिए भी लेकर चले जाना। तो ये असली औकात होती है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी औकात आपकी है तो समझिए आप बहुत खुशनसीब हैं, और आपसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं मेरे भाई। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।